welcome to my maths class. Today we are going to continue with chapter 4, basic geometrical ideas, and this is class 6 NCERT maths. We are going to start exercise 4.5. I hope you have revised the previous topics. Okay, so इसके पहले हमने क्या देखा, we saw about quadrilaterals. Okay, अगर आप लोग revise नहीं किया, video नहीं देखा, okay, I have given the link in the description box for that. Okay, so previous video का link click करके आप quadrilateral का देख सकते हैं. Okay, chapter 4 की जो other parts है उसकी भी link दिया है, so please check it out. And I have also given the link for chapter 1, chapter 2 and chapter 3 also. Okay, playlist is also there. You can check it in the description box. Okay, so we all know what is a quadrilateral. Quadrilateral is a four-sided polygon. It has four angles, four sides. Okay, ये सब previous class में हमने देखा है. Okay, now we are going related to that. Now we are going to do exercise 4.5. Okay. क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS. ओके, हमें क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल का एक रफ फिगर ड्रॉ करना है. ओके, उसको क्या मेंशन करना है, PQRS करके मेंशन करना है. ओके, ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, हमें डायगोनल्स भी ड्रॉ करना है, उसको जो डायगोनल्स है उसका भी हमें क्या करना है, यू हैव टू नेम देम. ओके, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. जो मीटिंग पॉइंट है डायगोनल्स की, जो मीटिंग पॉइंट है वो इंटीरियर, दैट इज इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल है, नहीं तो आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल है, वी हैव टू चेक. ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. ओके, सो हम ड्रॉ करेंगे एक रफ स्केच. ओके, रफ क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ कर दिया, उसको क्या करना है, वी हैव टू नेम देम. ओके, पी क्यू आर एस, ये है पी क्यू आर एस. ओके, वो भी कर दिया हमने. ओके, सो वी हैव टू राइट दिस ऑल्सो. ओके, वी हैव टू राइट हमने क्या किया इसमें डायग्राम में. ओके, द फिगर इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्या है उसको नाम दिया पी क्यू आर एस. ओके, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस. ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ इट्स डायगोनल्स. ओके, डायगोनल्स ड्रॉ करके उसको नेम करना है. सो इसकी जो डायगोनल्स है ये पी आर है, देन क्यू एस है. ओके, वी हैव टू राइट दिस पॉइंट ऑल्सो इन योर नोटबुक, ताकि मतलब सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके आपको नहीं दिखाना है, डायग्राम भी ड्रॉ करना है, उसके साथ जो नोट्स है दैट इज लिखना जो जरूरी है वो सब आपको लिखना है. ओके, सो इट्स डायगोनल्स, क्या क्या है, इट्स डायगोनल्स आर, क्या है पी पी आर, पी आर एंड दूसरा क्या है क्यू एस. ओके, वो हमने नेम कर दिया. ओके, ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, नेम देम, ये हो गया है. नेक्स्ट थर्ड क्या है, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. सो ये जो डायगोनल पॉइंट की मीटिंग पॉइंट क्या है, ये है. ओके, इसको हम नेम करेंगे ओ. ओके, सो ये जो डायगोनल पॉइंट है वो इंटीरियर में है एक्सटीरियर में है, इंटीरियर में है. मीटिंग पॉइंट इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, वो हमें लिखना है. ओके, द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ दीस डायगोनल्स, डायगोनल्स कहां मीट हो रहे हैं, ओ, डायगोनल्स ओ कहां पर है, इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस. ओके, तो ये ओ कहां पर है, इंटीरियर में है, एक्सटीरियर में नहीं है. ओके, सो मीटिंग पॉइंट्स कहां है, मीटिंग पॉइंट ऑफ दीस डायगोनल्स ओ इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. ओके, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन. ओके, हमें क्या करना है, रफ स्केच करना है, दैट इज ड्रॉ करना है क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन करके एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है. ओके, फर्स्ट वन दैट इज स्टेट टू पैर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, हमें क्या करना है, उसके ऑपोजिट साइड्स हैं, उसका टू पैर, उसकी जो टू पैर्स है हमें लिखना है. पहले हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे. ओके, एक क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ कर दी, वी हैव टू नेम द क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन करके हमने नेम कर दी. अभी हमें क्या करना है, टू पैर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स लिखना है. टू ऑपोजिट साइड्स क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर, क्या क्या है, के एल. ओके, इसकी ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट साइड क्या है, के एल एंड एम एन. ओके, ये हो गया. दूसरा एल एम,
एंड एल एम की जो साइड है उसके ऑपोजिट कौन सी साइड है, के एन है. ओके ये हो गया. ओके नेक्स्ट बी, टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स. ओके ऑपोजिट एंगल्स हमें लिखना है. ओके ऑपोजिट एंगल्स क्या है, इसमें एंगल के एंड एंगल एम, एंगल के एंड एंगल एम दे आर ऑपोजिट एंगल्स है. वैसे दूसरा एंगल एल एंगल एन. ओके सो हम लिखेंगे एंगल के एंड एंगल एम दे बोथ आर ऑपोजिट. एंड दूसरा क्या है, एंगल एल एंड एंगल एन. ओके ये दोनों ऑपोजिट है. ओके नेक्स्ट टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स. एडजेसेंट साइड्स क्या है, के एल एल एम. ओके नहीं तो एल एम एम एन, नहीं तो एम एन एन के, एन के एंड के एल. ओके ये है एडजेसेंट साइड्स, के एल के एल के एल एंड एल एम. ये है, हमें सिर्फ टू पेयर्स लिखना है, सारे नहीं लिखना है. ओके के एल एल एम हो गया. दूसरा एडजेसेंट साइड क्या है, के एन एंड एन एम. ओके और भी लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ दो ही पैर, क्योंकि यहां दो पैर पूछा है, हमें सिर्फ दो पैर ही लिखना है. ओके नेक्स्ट टू पैर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स क्या है, एंगल के एंड एंगल एल, नहीं तो फिर एंगल एल एंगल एम. ओके एंगल एम एंगल एन, एंगल एन एंगल के. ओके सो ये पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ टू पैर्स आपको उसमें से लिखना है, एंगल के एंड एंगल एल. दूसरा एंगल एल एंड एंगल एम. ओके ये टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स है. इसमें तो ऑपोजिट एंगल्स हो गया है. ओके एडजेसेंट साइड्स भी हो गया, एडजेसेंट एंगल्स भी हो गया है, ऑपोजिट साइड्स भी हो गया. ओके वी हैव ड्रॉन अ फिगर, वी नेम्ड देम. ओके उसके बाद हमें ऑपोजिट साइड्स लिखा, ऑपोजिट एंगल्स लिखा, एडजेसेंट साइड्स एडजेसेंट एंगल्स लिखा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री आपकी बुक में, ये इन्वेस्टिगेट है, यू हैव टू इन्वेस्टिगेट. ओके सो उसमें आपको खुद करना पड़ेगा. वो क्या है क्वेश्चन, यूज स्ट्रिप्स एंड फास्टनर्स टू मेक अ ट्रायंगल एंड अ क्वाड्रिलेटरल. यू हैव टू मेक अ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल स्ट्रिप्स रख के. ओके ट्राई टू पुश इनवर्ड एट एनी वन वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, डू द सेम टू द क्वाड्रिलेटरल. ओके ट्रायंगल को, ट्रायंगल में वर्टेक्स को अपने कैसे इनवर्ड की तरफ पुश किया है वैसे आपको क्वाड्रिलेटरल में भी करना है. इज द ट्रायंगल डिस्टॉर्टेड, इज द क्वाड्रिलेटरल डिस्टॉर्टेड, इज द ट्रायंगल रिजिड, व्हाई इज इट दैट स्ट्रक्चर्स लाइक इलेक्ट्रिक टावर्स मेक यूज ऑफ ट्रायंगल शेप्स एंड नॉट क्वाड्रिलेटरल. ओके सो ये स्ट्रिप्स रख के आप खुद बना के देख सकते हैं, ये जो एक्टिविटी आप घर पे बना के देख सकते हैं. होप एक्सप्लेनेशन वॉज क्लियर टू यू. ओके वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 4.5. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड अदर पार्ट्स ऑफ चैप्टर 4 ऑल्सो. सो प्लीज चेक इट आउट, यू हैव टू रिवाइज मोर. ओके प्रैक्टिस करके आप देखने से आपको अच्छे से ये ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री आपको अच्छे से आ जाएगा. ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे. प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.